जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर आप धर्म धर्म से रिलेटेड नॉलेज ले रहे हो और स्टेप बाय स्टेप सीखते चल रहे हो। ठीक है जी, तो अभी हम आज बात करेंगे आगे की पंक्तियों के बारे में। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप धरि सिंह दिखावा, अब इसका मतलब क्या है? जब हनुमान जी सीता के पास गए राम जी का दूत बन के, यानी कि उनके पास गए वो उनका संदेश लेके उनको ढूंढने के वो हैं कहाँ पे असल में, तो उन्होंने वहाँ पे जाके उनको अशोक वाटिका में ढूंढा। अब अशोक वाटिका में क्या है, चारों तरफ ना माया बिछाई रखी है रावण ने, यानी कि सीता को डराने के लिए, ठीक है, और अब मतलब उनको मनाने के लिए, यानी कि वो मतलब मेरी तरफ हो जाएं, ठीक है, या वो मेरी बात माने, या उनको डराने के लिए उन्होंने माया बिछा रखी है चारों तरफ, राक्षस राक्षसियाँ, ठीक है, सब चारों तरफ हैं। तो उनके अंदर अब जब हनुमान जी गए तो उनको विश्वास दिलाना था कि मैं राम का दूत हूँ, क्योंकि वो ऐसे विश्वास नहीं कर सकती थी हर किसी के ऊपर, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं था भी कोई मेरा यहाँ पे अपना है, तो अब है भी नहीं था। सच बात भी सही है, बट लेकिन बात ये है कि हनुमान जी तो राम जी के ही दूत थे, बट लेकिन बताएं कैसे, क्योंकि ना तो वो हनुमान जी से पहले कभी मिली हैं, ठीक है, तो उनको वो कैसे जाने। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी वहाँ पे गए, उन्होंने अपना छोटा रूप बनाया और अपने आप को रामदूत बताया, और फिर अपने पास जो अंगूठी थी, एक जो एक मतलब घास से बनाई हुई अंगूठी दी थी श्री राम ने, वो अंगूठी देखने के बाद सीता जी को थोड़ा सा विश्वास हुआ, ठीक है, फिर उन्होंने माना भी हाँ शायद ये राम जी ने ही इनको भेजा है, मतलब फिर भी शायद ही था, बट लेकिन फिर भी उनके पास विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो उन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया। और फिर हनुमान जी ने अपना सारा प्रसंग बताया कि वो उनको कैसे मिले, सारा कुछ बताया, फिर उनको जाके विश्वास हुआ कि हाँ ये इनको राम जी ने ही भेजा है। विकट रूप धरि लंक जरावा, यानी कि उन्होंने बड़ा रूप धारण किया, बड़ा भयानक रूप धारण किया, जिसके कारण राक्षस भी डर गए और जो भी वहाँ लोग थे वो सभी डर गए, और प्लस उन्होंने रावण को जब वो रूप दिखाया तो रावण भी एक टाइम के लिए डर गया कि ये कौन है, और फिर उन्होंने अपनी एक पावर दिखाई कि राम दूत के अंदर कितनी पावर है, कि अगर एक राम दूत, सिर्फ राम दूत इतना कुछ कर सकता है, तो अगर राम जी आ गए तो वो कितना कुछ करेंगे, ये एहसास दिलवाना चाहा उन्होंने वहाँ पे, अपनी शक्ति दिखा के जो उन्होंने वहाँ पे मतलब तहस नहस किया, तबाही मचाई, उसके थ्रू बस वह यही बताना चाहते थे कि राम दूत के अंदर कितनी पावर है, अगर राम जी आ गए तो देख लो भाई तुम्हारा क्या होने वाला है। भीम रूप धरि असुर संहारे, यानी कि भीम का रूप धारण कर, यानी कि भयानक और बड़ा रूप धारण करके असुरों को संहारा, जैसे मैंने बताया आपको बड़े सारे असुरों को उसने मार डाला, किसी को पूंछ से मार डाला, किसी को हाथ से रौंद डाला, यानी कि बड़ा कुछ किया उन्होंने वहां पर। रामचंद्र के काज सवारे, यानी कि राम जी के उन्होंने काम सवारने में बड़ी हेल्प की है, ठीक है, उन्होंने सीता जी को ढूंढ लिया, जो सबसे मेन काम था, उनको आइडिया था, हो गया था कि सीता जी वहां पर हैं, मतलब लंका के अंदर ही हैं, रावण ही लेके गया है, उनको पता तो लग गया था, बट लेकिन वो सही सलामत हैं उनको देखने के लिए और उनको मतलब जानने के लिए भी, हाँ वहाँ पे वो कैसे रह रही हैं, ठीक है, कहाँ पे रह रही हैं, सारा कुछ, और लंका के बारे में कुछ चीज़ें जानने के लिए कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने के लोग हैं, क्या है, सारा कुछ वो जानने के लिए जो सबसे मेन काम था वो हनुमान जी ने करके दिखाया, और उन्होंने राम का वो काज संवार दिया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबर हर शिव रुलाए, यानी कि जब वो संजीवनी बूटी लेके आए, जो सबसे मेन काम था, जब लक्ष्मण जी को मतलब बाण लग गया था उसके कारण वो मूर्छित हो गए थे, अब आज की डेट में अगर बोलें जिसको बोल सकते हैं कोमा में चला जाना, है ना, तो वो टाइम आ गया था, तो उस टाइम पे आपको पता है कि राम जी के ऊपर कितनी भारी जिम्मेवारी थी, सीता जी की और लक्ष्मण जी की, यानी कि वो उनके साथ आए थे तो वो उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, यानी कि राम जी की जो एक इमेज है उसके ऊपर एक दाग लग जाता अगर उनमें से कोई भी उनके साथ वापिस ना जाता, ठीक है जी, तो उन्होंने जो राम जी की इमेज है उसको बचाने के लिए वो संजीवनी बूटी लेके आए। अब आप सोच के देखो कि संजीवनी बूटी लेके हर कोई नहीं आ सकता था, उसको एक रात के अंदर ही ले रात रात के अंदर ही लेके आना था, और उसको लाने के लिए कोई बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए था जो उसको लेके आ सके, और ऐसे तो कोई लेके आ भी नहीं सकता था, आपको पता ही है। तो इस सब के बाद राम जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी खुश हुए, तो उन्होंने हनुमान को अपने सीने से लगाया, अपने दिल से लगवाया, ठीक है, तो आप सोच के देखो जो बंदा भगवान के मतलब मिल ही लिया, भगवान से मिल लिया, भगवान ने उसको गले लगा लिया, तो पीछे रह ही क्या गया, ठीक है ना।
रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरत ही संभाई। रघुपति जी यानी राम जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की कि ऐसा काम जो तुमने किया है ये कोई नहीं कर सकता। बड़ी प्रशंसा की उनकी, बड़ा कुछ उनके लिए बोला प्रशंसा के अंदर उनकी, ठीक है। तो बड़ी प्रशंसा करने के बाद जब लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि तुम मेरे भाई भरत की तरह मेरे लिए हो, यानी कि जैसे भरत मेरे लिए है वैसे तुम मेरे लिए हो। भरत का उन्होंने एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि भरत उनका इतना पक्का भक्त था कि जो हुआ था वो सारा कुछ भरत के कारण ही हुआ था। अभी भरत को राजपाट मिल जाए, बट लेकिन भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने सारा राजपाट लेने के लिए मना कर दिया कि मैं इसको नहीं ले सकता, इसके ऊपर राम जी का ही अधिकार है। और उन्होंने क्या किया कि मैं इसको लूंगा ही नहीं। तो जब राम जी ने बोला कि मैंने तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है, तो उन्होंने उनकी जो चप्पलें बोल सकते हैं, खड़ावें बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो उनको लेके वहां पे रख दिया कि जब तक राम जी नहीं आते तब तक मैं राम जी के लिए इन राज्य को संभालूंगा जरूर, बट लेकिन सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। सिंहासन पे असली हक है जो वो राम जी का ही है। तो इतने महान थे उनके भरत भाई, उन्होंने उनको उसके साथ कंपेयर कर दिया कि तुम मेरे भरत भाई की तरह हो या मेरे भाइयों की तरह हो, ये इसलिए इससे ऊपर तो कोई बात हो ही नहीं सकती, जब उन्होंने यही बोल दिया, ठीक है ना जी। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपने सारे के सारे हमारे पार्ट्स देख लिए होंगे। तो अभी तक आप यहाँ पे आए हो, आपको बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मुझे कुछ लोगों के फीडबैक मिलते हैं कि उनको बड़ा अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है इससे। तो आपका बड़ा ही धन्यवाद कि आप इतना प्यार दे रहे हो। बस इसको दबा के शेयर करो, और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हो उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपको बड़ा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप अपनी लाइफ को एक बड़े अच्छे मोड़ पे लेके जा सकते हो, बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हो, अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीखते जाते हो, ठीक है जी। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।